जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। अब कंपैरेटिव वर्ड आपको इस तरह से पता है, हम कंपैरिजन के लिए यूटिलाइज करते हैं। और आपके पास जो एम्ब्रियोलॉजी वर्ड है, ये आपने ऑलरेडी फर्स्ट में डिस्कस कर लिया है कि एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास जो है वो स्टडी है किस चीज की, एम्ब्रियो की, यानी कि आपके पास जायगोट से ऑनवर्ड जो हमारे पास एक इंडिविजुअल के बनने का प्रोसेस है वो आपके पास क्या कहलाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जायगोट से इंडिविजुअल बनने के पूरे होल प्रोसेस में हम लोग जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है उसको एम्ब्रियो का नाम दे सकते हैं। तो ये आपके पास जो एम्ब्रियोलॉजी है, ये ऐसी ब्रांच है जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में क्या करती है, स्टडी करती है। तो इट्स मीन कि हम यहाँ कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो जो है उसको कंपेयर करके बताएंगे कि हमारे पास जो है वो एवोल्यूशन हुई है या फिर नहीं हुई। तो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी भी हमारे पास एक बहुत गुड एविडेंस है किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, एवोल्यूशन को। तो अगर आप यहाँ देखें, आपके पास है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस इन देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि हमारे पास जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनको अगर हम चेक करते हैं उनके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के ऊपर, तो उनके अंदर ज्यादा सिमिलैरिटीज एग्जिस्ट करती हुई हमें नजर आती हैं एज कम्पेयर टू द हायर डेवलपमेंट, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेजेस की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोस गो थ्रू अ स्टेज इन विच दे हैव गिल पाउचेस ऑन द साइड ऑफ देयर थ्रॉट। तो कह रहे हैं कि अगर हम सारे वर्टिब्रेट क्लासेस, फिशेस, एम्फीबियंस, ह्यूमन मैमल्स सब चेक करते हैं, तो उनकी डिवेलपमेंट के दौरान हमें हर एक के अंदर नेक रीजन के ऊपर हमें गिल पाउचेस नजर आ रही होती हैं। और आफ्टर डैट जैसे ही उनकी डिवेलपमेंट प्रोसीड करती है, तो गिल पाउचेस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इट्स मीन कि स्टार्टिंग में जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की, सारे वर्टिब्रेट्स में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। तो ये भी चीज आपको शो कर रही है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या रखते हैं एक कॉमन। तो अगर हम थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करें, तो कह रहे हैं कि जैसे डेवलपमेंट प्रोग्रेस करती है तो वेरियस वर्टिब्रेट्स डाइवर्ज हो जाते हैं मोर एंड मोर एक दूसरे से, टेकिंग ऑन द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ देयर क्लासेस। तो आपके पास जैसे हम देखते हैं फिशेज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल लेटर ऑन डेवलपमेंट के अंदर वो अडल्ट बॉडी फॉर्म की तरफ मूव करते हैं, तो गिल पाउचेस कन्वर्ट हो जाती हैं किस चीज के अंदर, उनके पास गिल्स के अंदर। तो गिल पाउचेस लेटर ऑन जो है वो फिशेज के अंदर गिल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं अदर क्रस्टल वर्टिब्रेट्स, तो उनके पास जो है गिल पाउचेस अदर फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास लेटर ऑन गिल पाउचेस जो है वो यूस्टेशियन ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये एक ऐसी ट्यूब है, एक ऐसा कैनाल है जो कि हमारे मिडल ईयर को हमारे थ्रॉट के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी जो है वो आपके पास एक होमोलोगस स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाती है, होमोलोगी डेवलप करवाती है। जैसे कि इसमें भी यही कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चर्स के अंदर सिमिलरिटी है होल वर्टिब्रेट क्लासेस के अंदर। तो जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर डायग्राम में भी देख रहे हैं, आपको शो करवाया जा रहा है कि जितने भी ये आपके पास एम्ब्रियो है वर्टिब्रेट्स के, इन सब में क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर सिमिलरिटी एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि एक डायग्राम पे आपको टर्टल का जो है वो शो करवाया गया है, देन माउस का, देन ह्यूमन है और देन चिक है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सब हमें सिमिलर ही नजर आ रहे हैं। तो लाइक डैट, तो स्ट्रक्चर्स में सबके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट पे अर्ली स्टेजेस पे सिमिलरिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन लेटर ऑन जो है वो हाईली कम्प्लेक्सिटी आने की वजह से जो सिमिलरिटीज हैं वो विद द पास ऑफ टाइम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लाइक दैट कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कैन ओपन लास्ट लाइन तक, अगर आप लोग चेक करें तो ये आपके पास यहाँ से ऑनवर्ड ये वाला पैराग्राफ जो है, तो इसमें बताया जा रहा है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कैन ओपन एस्टेब्लिश होमोलॉजी अमंग द स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो होमोलॉजी एग्जिस्ट करती है, अर्ली स्टेजेस पे सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं बट उनके फंक्शंस क्या है विदर लेटर ऑन डिफरेंट हो जाते हैं। सच एज की पॉचेस जो है डेट बिकम सो आल्टर्ड इन लेटर डिवेलपमेंट,
ये पॉचेज जो है वो बाद में जब डेवलपमेंट जब प्रोसीड होती है तो इतने चेंज हो जाते हैं दैट देयर कॉमन ओरिजिन वुड नॉट बी अपेरेंट. तो हमें लगता ही नहीं है कि सारे एम्ब्रियोज जो है वो एक कॉमन ओरिजिन रखते हैं. बाय कंपेयरिंग जब हम कंपेयर करते हैं देयर फुली डेवलप्ड फॉर्म्स, तो जब हम उनकी बॉडी फॉर्म जो फुल डेवलप कर जाती है तो उनको कंपेयर करें तो हमें लगता ही नहीं है कि ये जो है वर्टिब्रेट्स ये एक कॉमन ओरिजिन रखते हैं. जैसे फिशेज के अंदर गिल्स जो है वो रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज हो रहे होते हैं. अगर हम ह्यूमंस में देखें तो हमने पढ़ा कि यूस्टेशियन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो लाइक डैट सबके अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट जैसे प्रोसीड करती है तो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बहुत ज्यादा क्या हो जाती है मॉडिफिकेशन. तो ये आपके पास एक और हमने एविडेंस क्रिएट किया है कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी.